अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नए लेक्चर के साथ फिर हाजिर हैं। कल हम लोग जो लेक्चर कल का लेक्चर था वो हम लोगों का कंप्लीट नहीं हो पाया था, टाइम अप हो गया था। हमने यहाँ तक इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था कल हम जब कर रहे थे सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन नंबर 2। उसका वर्टिकल मेथड मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था, हमारा हॉरिजॉन्टल मेथड यहाँ तक सॉल्व हुआ था, इससे आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हमने सेम एज इट इज फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू हमने फर्स्ट में ब्रैकेट में उतार ली थी, सब्ट्रैक्ट था, माइनस का साइन लगाया था और सेकेंड वन वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पर ब्रैकेट में उतार ली थी। उसके बाद हमने माइनस को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया था, इस वाली ब्रैकेट को सेम हमने उतार लिया था। इसके बाद अब हम जो है इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे और लाइक टर्म्स को एक साथ रखेंगे, अरेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पावर, हाईएस्ट से लोएस्ट पावर की तरफ, और अरेंज कर देंगे लाइक टर्म्स को एक साथ पर। अब हमारे पास सबसे पहले इनमें हाईएस्ट पावर जो आ रही है वो है एक्स की पावर 5। तो एक्स की पावर 5 हमारे पास एक तो इसमें यहाँ आ रही है और नेक्स्ट यहाँ पर आ रही है, तो इन दोनों को हम एक साथ लिख लेंगे, माइनस के 3x पावर 5 माइनस के 4x पावर 5, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड पावर जो आ रही है वो है फोर्थ, सेकंड हाईएस्ट पावर हमारे पास 4 है, तो 4 कहाँ पर आ रही है, एक ये टर्म हमारे पास 4x पावर 4 की है और एक ये टर्म है, इनको भी हम एक साथ लिख लेंगे, प्लस के 2x पावर 4 और माइनस के x पावर 4। x पावर 4 के बाद हमारे पास हाईएस्ट टर्म जो रह जाती है थर्ड वन, वो हमारे पास है एक्स की क्यूब, तो हमारे पास एक्स क्यूब की टर्म जो आ रही है वो आ रही है एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, हम इसको भी नीचे उतार लेंगे, प्लस 3x क्यूब प्लस के 3x क्यूब। उसके बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर की टर्म रह गई है जो कि एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर मौजूद है, तो प्लस के 6x स्क्वायर एंड अगेन प्लस के 6x स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास रह गई है सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म, हमारे पास है 6, उसको एंड में लिख लेंगे। अब हमारे पास ये अकॉर्डिंग टू पावर भी अरेंज हो गई है और लाइक टर्म्स भी एक साथ हमारे पास आ गई हैं, कि हमारे पास ये दो लाइक टर्म्स हैं, ये दो लाइक टर्म्स हैं और ये दो लाइक टर्म्स हैं, और ये हमारे पास एक कॉन्स्टेंट टर्म है जो हमने सेपरेट रह दिए। अब लाइक टर्म्स को आपस में अगर ऐड हो रही हैं तो ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहली दो लाइक टर्म्स हमारे पास दोनों जो हैं वो नेगेटिव की हैं, जब दो साइंस एडिशन में दो सेम साइंस होते हैं तो उनको ऐड करते हैं और साइन हमारे पास वही लगता है जो इनका मौजूद है, दोनों नेगेटिव हैं इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, दोनों सेम साइन है इसलिए इनके कोफिशेंट ऐड हो जाएंगे, 3 + 4 हमारे पास हो जाएगा 7x पावर 5। उसके बाद आ जाते हैं इस वाली टर्म पर, ये टर्म जो हमारे पास है लाइक टर्म, इनको जब ऐड करेंगे इसका कोफिशेंट 2 है, इसका कोफिशेंट 1 है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो 2 - 1 हमारे पास आ जाएगा 1, जो कि हम लिखेंगे नहीं, 1 कोफिशेंट में नहीं लिखा जाता, इसलिए ये एक्स पावर 4 आ जाएगा। यहाँ पे साइन हमारे पास क्या आएगी, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अब 2 कोफिशेंट की जो है वो प्लस है, 1 कोफिशेंट की माइनस है, तो जो हमारे पास हाईएस्ट कोफिशेंट है उसकी पावर हम लगाएंगे, हाईएस्ट हमारे पास 2 है इसलिए यहाँ पे 2 की साइन लगाएंगे प्लस। थर्ड जो हमारे पास यहाँ पे लाइक टर्म्स हैं इसमें दोनों साइन पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, इसका कोफिशेंट भी 3 है, 3 + 6x पावर 3। अगेन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे भी दोनों पॉजिटिव साइन है इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, इसका 6 है कोफिशेंट, इसका भी 6 है, 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12x स्क्वायर। आखिर में लास्ट जो है वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है इसलिए ये सिंगल कांस्टेंट टर्म है तो ये कहीं ऐड नहीं होगी, ये सेम यहाँ पर
हम नीचे लिख देंगे। यहाँ पर ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी अनलाइक टर्म्स हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इन सब के वेरिएबल तो सेम हैं मगर इनकी पावर जो है वो सबकी डिफरेंट है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास अनलाइक टर्म्स आ जाती हैं तो उनको ना हम ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट, इससे आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये तो हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे कल के लेक्चर में रह गया था, ये हो गया कंप्लीट। आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बाकी के पार्ट्स आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, इनके दो दो पार्ट्स और हैं। मैंने कल एक पार्ट करवाया था क्वेश्चन नंबर 1 का भी और क्वेश्चन नंबर 2 का भी, ये एक पार्ट है, बाकी के दो पार्ट्स आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। आपको जो मेथड इजी लगता है आप उस मेथड पे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको हॉरिजेंटल और वर्टिकल दो मेथड बताए थे, आपको जो मेथड इजी लगता है आप उस पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने दोनों से सॉल्व इसलिए किया था कि आपको जो समझ में आप उससे कर सकते हैं, आप लोगों को दोनों मेथड पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक किसी भी एक मेथड पे जो आपको समझ में आ जाए आप उस पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर व्हेन P is equals to a power 4 minus k 3 a cube b plus 4 a square b square minus k 5 b cube and q is equals to 3a power 4 minus k 4ab cube plus k 7aqb minus k 2a square b square and r is equals to 2a square b square minus k 2a cube b minus k 6a power 4 plus k 3ab cube। यहाँ हमें फाइंड करने के लिए क्या क्या गया है, पी प्लस क्यू प्लस आर हमें ये फाइंड करना है। यहाँ पी के भी हमारे पास जो है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है, क्यू की भी दी गई है और आर की भी दी गई है, इन तीनों को हम ऐड करेंगे। मालूम क्या करना है, पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल्स टू, फर्स्ट वन पी है इसलिए पहली वाली जो एक्सप्रेशन है वो हम लिखेंगे पी की, जो यहाँ पर दी गई है ए पावर 4 माइनस के 3 ए क्यूब बी प्लस के 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के 5 बी क्यूब ब्रैकेट क्लोज प्लस का साइन इसलिए प्लस आ जाएगा। अगेन q है तो q की वैल्यू हम लिखेंगे 3 a पावर 4 माइनस के 4 a b क्यूब प्लस के 7 a क्यूब b माइनस के 2 a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन है, अब आगे हमारे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहां पर लिख रही हूं प्लस आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये वाली यहां पर
टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के टू ए क्यूब बी माइनस के सिक्स ए पावर फोर प्लस थ्री ए बी क्यूब ब्रैकेट क्लोज। हमने तीनों वैल्यू लिख ली पी प्लस क्यू प्लस आर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे सेम वैसे ही, इनमें हम लाइक टर्म्स को अकॉर्डिंग टू पावर अरेंज करते जाएंगे और उसके बाद इनको ऐड कर लेंगे। यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पावर जो यहाँ पे हमारे पास आ भी दो वेरिएबल रहे हैं ए एंड बी, दो वेरिएबल की एक्सप्रेशन है, हम ए के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करेंगे। ए में हमारे पास सबसे हाईएस्ट पावर जो है वो है ए पावर फोर, यहाँ पर एक ये आ रही है, सेकेंड यहाँ पर आ रही है, थर्ड वन में यहाँ ए की पावर फोर यहाँ आ रही है। तो हम इन तीनों को एक साथ नीचे लिख लेंगे। फर्स्ट वन ए पावर फोर प्लस के थ्री ए पावर फोर और माइनस के सिक्स ए पावर फोर। उसके बाद हमारे पास ए क्यूब की हमारे पास कहाँ आ रही है, ये है हमारे पास ए क्यूब, यहाँ पर हमारे पास ये वाली वैल्यू ए क्यूब की है और यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास ए क्यूब की है। तो इन तीनों को नीचे लिख लेंगे माइनस के थ्री ए क्यूब बी प्लस के सेवन ए क्यूब बी माइनस के टू ए क्यूब बी। उसके बाद ए स्क्वायर की टर्म लिख लेंगे, ए स्क्वायर वाली ये है हमारे पास, यहाँ पर ये वाली वैल्यू है और यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस के फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हमारे पास लास्ट जो है ए की पावर जीरो वाली एक ये बची है हमारे पास, बल्कि नहीं, हमारे पास यहाँ पर ए की पावर वन वाली वैल्यू भी मौजूद है जो कि फर्स्ट वन में मौजूद नहीं है, सेकंड वन में मौजूद है और थर्ड वन में मौजूद है। तो पहले हम इनको लिखेंगे, ये हमारे पास हो जाएंगे माइनस के फोर ए बी क्यूब और हमारे पास प्लस के थ्री ए बी क्यूब। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक टर्म ये बची है जिसमें ए की पावर जीरो है, तो लास्ट में ये आ जाएगी हमारे पास माइनस के फाइव बी क्यूब। अब इनकी लाइक टर्म्स को हम लोग जो है वो ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें फर्स्ट वन में ये हमारे पास जो लाइक टर्म्स हैं तीन, इनमें देखा जाए तो हमारे पास ए का कोफिशेंट वन है, ये प्लस है, यहाँ पर थ्री है ए का कोफिशेंट, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पर सिक्स है, यहाँ ए जो है वो नेगेटिव है। तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लें क्योंकि ये दोनों सेम साइन है, थ्री प्लस वन ये हो जाएगा हमारे पास प्लस के फोर, प्लस के फोर और माइनस के सिक्स हमारे पास जब आ जाएंगे प्लस के फोर माइनस के सिक्स ये इक्वल टू हो जाएंगे माइनस के टू के, इसलिए हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका टू ए पावर फोर। उसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं ये तीनों लाइक टर्म्स हैं, इनको देखते हैं हम लोग। यहाँ पर फर्स्ट वन का कोफिशेंट माइनस के थ्री है, सेकंड का प्लस के सेवन है, थर्ड का माइनस के टू है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये दोनों साइंस जो है वो नेगेटिव के हैं, इसलिए इनको पहले ऐड कर लेंगे, माइनस के थ्री माइनस के टू माइनस के फाइव हो जाएंगे और फिर यहाँ प्लस के सेवन है, प्लस के सेवन है तो ये हमारे पास प्लस के टू आ जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा प्लस के टू ए क्यूब बी। थर्ड पे हम आ जाते हैं तो हमारे पास ये आपस में लाइक टर्म्स हैं, इनको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे प्लस के फोर है इसका कोफिशेंट, यहाँ माइनस के टू है, यहाँ प्लस के टू है,
ये माइनस टू और ये प्लस टू, टू माइनस टू, ये हमारे पास जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म हमारे पास कैंसिल हो जाएगी एग्जैक्ट, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा प्लस के फोर ए स्क्वायर बी, तो वो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर लास्ट से। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये दो लाइक टर्म्स हैं, यहाँ पर हमारे पास माइनस के फोर है और प्लस के थ्री है, फोर में से थ्री माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास माइनस के ए बी क्यूब बचेंगे, क्योंकि फोर माइनस थ्री वन होगा तो वन कोफिशिएंट में नहीं लिखा जाता। लास्ट ये हमारे पास सिंगल टर्म है इसलिए ये सेम यहाँ पर हमारे पास नीचे आ जाएगी, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब सारी की सारी जो हैं वो आपस में अनलाइक टर्म्स हैं तो इसलिए हम इनको ना ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ थ्री एक्स माइनस के फोर वाई और माइनस के टू जेड व्हेन x इज इक्वल्स टू थ्री एक्स क्यूब माइनस के सेवन एक्स स्क्वायर माइनस के नाइन एक्स प्लस के सेवन एंड y इज इक्वल्स टू हमें दिया गया है ट्वेल्व एक्स क्यूब प्लस के थ्री एक्स स्क्वायर माइनस के थर्टीन एक्स प्लस वन एंड जेड इज इक्वल्स टू सिक्स एक्स क्यूब माइनस के फाइव एक्स स्क्वायर माइनस के सिक्स एक्स प्लस फोर। यहाँ पर हमें x, y और z की जो है वो वैल्यूज दी गई हैं, हमें फाइंड क्या करना है 3x माइनस 4y माइनस के 2z। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, जो हमें मालूम करना है सबसे पहले हमको नीचे लिख लेते हैं 3x माइनस के 4y माइनस के 2z। अब इसमें हम x, y और z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे 3x है तो x की वैल्यू हम ब्रैकेट में लिखेंगे ये वाली 3x क्यूब माइनस के 7x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज। अगेन हमारे पास माइनस का साइन है इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ कोफिशिएंट 4 है तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ y है तो ब्रैकेट में y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12x क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर माइनस के 13x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। अगेन माइनस का साइन है इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पर 2 है तो 2 आ जाएगा और z की जगह पे z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी 6x क्यूब माइनस के 5x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 4। ये तो थी, हमने यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली। अब हमारे पास यहाँ पर ब्रैकेट्स के बाहर
जो है वो इनके कोफिशेंट भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये काउंट नंबर जो है कॉन्स्टेंट, यहाँ 3 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 4 होगा और यहाँ 2 होगा। तो सबसे पहले हम इनको इनके बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 जब फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 3 और इसका कोफिशेंट 3 जा 9x³, माइनस का साइन आ गया, यहाँ 3 यहाँ 7, 3 7 जा 21x² माइनस का साइन आ गया, यहाँ 9 यहाँ 3 9 जा 27x प्लस 7 3 जा 21। हमने इस 3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद ये -4 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और प्लस, माइनस 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48x³ प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x² माइनस इंटू माइनस, प्लस 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 52x प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 1 4। उसके बाद हम इस -2 को इस वाली एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव 2 6 12x³, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 2 5 10x², नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 2 6 12x, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, 2 4 8। इस तरह से हम साइंस को भी और बाहर वाले नंबर को भी इन ब्रैकेट्स में जितनी भी टर्म है एक एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसको अकॉर्डिंग टू पावर और लाइट टर्म्स अरेंज करेंगे। सबसे बड़ी पावर यहाँ पर हमारे पास जो है वो है x³ की, एक यहाँ आ रही है, एक यहाँ आ रही है और एक आ रही है यहाँ पर। इन तीनों को एक साथ लिख लेंगे, 9x³ माइनस के 48x³ माइनस के 12x³। उसके बाद एक्स पावर 2 देख लेते हैं कहाँ कहाँ आ रहा है। एक्स पावर 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। अब इन तीनों टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे, माइनस के 21x² प्लस के माइनस के 12x² प्लस के 10x². उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू 1 में ये आ गया, ये वाली वैल्यू आ गई और ये सबसे पहले माइनस के 27x प्लस के 52x प्लस के 12x। उसके बाद हमारे पास लास्ट में हमारे पास काउंटिंग नंबर्स रह गए कॉन्स्टेंट नंबर, तो इनको भी एक साथ लिख लेंगे, प्लस के 21 माइनस के 4 माइनस के 8। सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर प्लस के 9 है, यहाँ पे माइनस के 48 है, यहाँ पर माइनस के 12 है। ये तीनों लाइक टर्म्स हैं इसलिए इनके कोफिशेंट को हम देखते हैं, यहाँ पर एक पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, तो पहले इन दोनों नेगेटिव वालों को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 9x³ अगर हम सेम यहाँ पर लिखते हैं, ये दोनों सेम है इसलिए माइनस के ये ऐड हो जाएंगे, 48 एंड 12 हमारे पास हो जाएंगे 60x³। इसी तरह नेक्स्ट में देख लेते हैं, हमारे पास ये 3 जो हैं इसमें हमारे पास ये 2 के साइन सेम है, तो हमारे पास इनको पहले ऐड कर लेते हैं दोनों के, माइनस के 21 और 12 हमारे पास हो जाएंगे 33
एक्स स्क्वायर और प्लस के जो है वो टेन एक्स स्क्वायर सेम हम नीचे कर लेते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आ जाते हैं ये वैल्यू पे, यहाँ पे ये डिफरेंट साइन है, ये दोनों सेम साइन है, डिफरेंट साइन को पहले हम नीचे ऐसे ही लिख लेते हैं और ये दोनों सेम साइन है, इनको ऐड कर देंगे। प्लस के हमारे पास 52 प्लस 12 हमारे पास हो जाएंगे 64। इसी तरह यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास 21 पॉजिटिव है और 4 और 8 जो है नेगेटिव है, इसलिए 21 को हमने यहाँ लिख लिया। माइनस के 4 माइनस के 8 हमारे पास माइनस के 12। अगेन हमारे पास यहाँ पर लाइक टर्म्स हैं, ये लाइक टर्म है, ये दो लाइक टर्म्स हैं, ये दो लाइक टर्म्स हैं, ये दो, तो इनको फिर से अगेन हम एड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, माइनस होंगे, 60 में से 9 माइनस हो जाएंगे तो ये हमारे पास बचेंगे 51 एक्स पावर 4। साइन यहाँ पर हमारे पास कौन सा आएगा, यहाँ कोफिशियंट 9 है, यहाँ कोफिशियंट 60 है, जो हाईएस्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास 60 है कोफिशियंट, तो हमारे पास 60 की साइन यूज करेंगे, वो है हमारे पास नेगेटिव। उसके बाद यहाँ माइनस के 33 प्लस के 10, 33 में से जब 10 आउट हो जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 21 एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट 33 बड़ा था इसलिए साइन आ जाएगी माइनस की। अगेन माइनस के 27 प्लस के 64, 64 में से 27 माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 37 एक्स में हमारे पास साइन क्या यूज होगा, क्या जो हाईएस्ट थी वो 64 थी इसलिए साइन आ जाएगा प्लस का। उसके बाद 21 में से 12 माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 21 में से 12 माइनस होंगे, 9 हमारे पास आ जाएगा और प्लस के 9 आ जाएंगे क्योंकि कैपिटल वैल्यू जो है वो हाईएस्ट वैल्यू 21 थी इसलिए उसका साइन यूज करेंगे। यहाँ हमारे पास ये इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अब सारी जो है वो अनलाइक टर्म्स हैं इसलिए इसको हम ना ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सॉरी मैंने यहाँ पर 10 माइनस करेंगे यहाँ से तो ये 23 हो जाएगा। उसके बाद आज के लिए बस इतना ही, हमारा टाइम ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तब तक आप इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।